आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को तांत्रिक महा उच्चिष्ट गणपति साधना का अनुभव तथा एक तांत्रिक कुंभ या फिर तांत्रिक मायावी कुंभ का कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये जो कहानी है ये मैं हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे को सुनाया था। वो एक साधक भी हैं तथा वो मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो कई बार जब मेरे को समय मिलता है, जब फ्री टाइम में मैं बैठा रहता हूँ, तब मैं उनके पास जाता हूँ। और वो सभी का ग्रुप है, तो वो लोग ग्रुप में बैठ के बातचीत करते रहते हैं और मैं उनका बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। उस ग्रुप में कई प्रकार के ज्ञान तंत्र साधना आदि के बारे में बताते रहते हैं, तो मैं सुनता हूँ। तो उसका कहानी आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं, साथ ही साथ साधना विधान के ऊपर भी बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो उन्होंने मेरे को इस तरह से ये सुनाया था कि ये जो अनुभव है या फिर कहानी है, ये विंध्याचल पर्वत के पास के एक गांव की है। बहुत पुरानी कहानी है। उधर एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, ना उसका कोई था, वो बस एक अकेला एक छोटे से कुटिया में रहा करता था। तो वो एक गणपत्य साधक था और गणपत्य संप्रदाय में उसका पूर्णाभिषेक हुआ था। पूर्णाभिषेक होने के बाद उसके गुरु द्वारा उसको उच्चिष्ट गणपति का मंत्र प्राप्त था और गणपति के ऊपर उनका बहुत आस्था था। तो उच्चिष्ट गणपति जो मंत्र उनको प्राप्त था वो अत्यधिक घोर तांत्रिक मंत्र था। और विधि पूर्वक वो जो ब्राह्मण थे वो लोगों के घर के पूजा पाठ, मंदिर पूजा पाठ करते थे और अपने घर में बैठ के जो मंत्र उनको गुरु से प्राप्त था उसकी साधना किया करते थे। तो लगातार दीर्घ 3.5 साल की साधना के बाद और लगातार वो प्रसरण करते रहे, उनका कभी प्रत्यक्षीकरण उनको हासिल नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो पूजा कर रहे थे और उस दिन उनका साथ पूजा का एंड जब था, तो उन्होंने यज्ञ आदि कर्म संपन्न किए और संपन्न करने के बाद वो खुद से ही कुछ खाना पीना बनाते थे। तो खुद खाना पीना खा के सो गए। सोने के बाद उनको एक आदेश आया स्वप्न में, किसी ने उनको कान में कहा कि परसों से पूर्णिमा है, तुम फिर से और एक पुरस्करण शुरू करो, इस बार तुमको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो गए। बहुत निराश हो चुके थे कि सफलता मिल नहीं रही है बोल के, लेकिन ये सुनने के बाद वो खुश हो गए। तो पूर्णिमा के दिन से वो सुबह नित्य कर्म अपना समाप्त करके, जो जैसे मंदिर पूजा वो करते थे, मंदिर पूजा खत्म किया और वो फिर घर में आके शाम से उन उच्चिष्ट गणपति का जो साधना था वो चालू कर दिया। तो जब चालू किया, जैसे ही उन्होंने संकल्प उठाया और जो विधिपूर्वक उच्चिष्ट गणपति का जो प्रतिमा उन्होंने था, वो एक तांबे का शायद प्रतिमा था और तांबे का ही यंत्र था उनके पास, तो वो ये प्रतिमा के आगे बैठ के वो जाप क्या करते हैं। और बहुत पुराना प्रतिमा था जो उनको उनके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये जो प्रतिमा था ये एक दिव्य विग्रह था, जो विग्रह में गणपति जी नग्न होकर बैठते हैं और उनके साइड में नील सरस्वती होती हैं और गणपति जी का जो सूंड है वो नील सरस्वती के योनि में लगा हुआ होता है। उनको उच्चिष्ट गणपति कहा जाता है। ये एक अत्यधिक घोर और तांत्रिक साधना है उच्चिष्ट गणपति की। हालांकि इतना घोर होने के बावजूद भी हर कोई साधक आसानी से इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो इन्होंने उस प्रतिमा का विधिपूर्वक पूजा किया, पूजा करने के बाद जाप किया। जैसे ही ये जाप करने पे उतरे, इनका जो संकल्प था वो 31 डेज का था, 31 डेज का इन्होंने संकल्प लिया था। कितना पुरस्करण लिया था वो प्रॉपरली मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को साधना भी आप लोगों को बताना है, तो उस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊँगा आप लोगों को। तो इन्होंने जो संकल्प था 31 डेज का था, 31 डेज में इन्होंने एक प्रॉपर उनका साधना शुरू किया। तो जो साधना शुरू किया था, तो जब वो साधना पे धीरे धीरे जाप करने लगे, ध्यान में बैठे थे, गंभीर देर रात्रि हो रही थी, यानी कि रात का बीच का प्रहर आ चुका था, तभी उनको अचानक से एक छोटे से बच्चे के खेलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वो आँख खोले और चारों तरफ देखे, वो बच्चा दिखा नहीं। तो ये उनका फिर जाप खत्म हुआ, वो फिर उठ के सो गए। तो ये पहले दिन का उसका उनका अनुभव था। लगभग 4 से 8 दिनों तक ये इस तरह का अनुभव होता रहा और फिर अचानक से अनुभव बंद हो गया। 14वें दिन जो रात थी, उस दिन वो जाप कर रहे थे, ओके, और जाप कर रहे थे और अचानक से उनको ध्यान में वो छोटा सा लड़का दिखा। तो वो छोटा सा लड़का बोल रहा था, वो जो छोटा सा लड़का था वो बहुत एकदम छोटा सा था, गोल मटोल था, वो बहुत सुंदर दिख रहा था। एक छोटी सी धोती उसने पहन रखी थी, उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा था और एक तिलक था सिर्फ। तो बहुत एकदम, और ब्राह्मण था, ब्राह्मण काट से भी था। तो वो बोल रहा था
कुछ बोल रहा था लेकिन ये अच्छे से सुन नहीं पाए, जो ब्राह्मण साधक थे ये सुन नहीं पाए, ध्यान टूटा, साधना पूर्ण किया। अगले दिन क्या हुआ, जब ये मंदिर पूजा करके आ रहे थे तो मंदिर पूजा करते आते वक्त एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऐसे हाथ में लकड़ी लिया था और ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रो रहा था। तो इन्होंने देखा और जो इन्होंने ध्यान में जिस लड़के को, छोटे से लड़के को देखा था, वही लड़का इन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। तो ये अचानक से भौचक्के हो गए और बोले कि गणपति का कोई महिमा होगा। उनके पास, उस लड़के के पास गए तो बोले कि बेटे तुम्हारा मम्मी पापा कहाँ है, फिर माँ बाप कहाँ है। तो उसने बोला मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बिछड़ गया हूँ और मैं इधर बैठा हूँ, अब कुछ मेरे को मतलब खाने पीने को दीजिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे को बहुत जोरों की भूख आई है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे साथ चलोगे मेरे घर, तो उसने बोला आप खाने को देंगे, उसने बोला हाँ मैं अकेला रहता हूँ घर में और मैं खाने पीने को मेरे साथ, ये देखो मंदिर से मैं केले वेले लेके आया हूँ, भगवान का प्रसाद भी है, हम दोनों मिलके खाएंगे। तो ये ठीक है, तो जैसे ही ठीक है बोला तो ये लड़के को लेके, छोटे से लड़के को लेके जो ब्राह्मण है वो अपने घर चले आए। इसको फिर खाने पीने को दिया और खाने पीने को देने के बाद ये अपने जो रेस्ट टाइम पे लग गए। तो वो लड़का खा रहा था, उन्होंने एक चीज़ उसके साथ नोटिस की कि वो जब भी उस लड़का खाता था वो हाथ पैर मुंह नहीं धोता था और उसी बिना हाथ मुंह पैर धोए ही वो मतलब अपना जो कर्म है वो खेलता रहता या फिर कुछ करता रहता। ये चीज़ देख के इन्होंने इग्नोर कर दिया कि हाँ छोटा लड़का है कोई नहीं, और एक दो बार बोला भी तो उसने हाँ हाँ करके टाल दिया और वो छोटा लड़का अपने अपने खेलता रहा, ये इसको खाने को देते थे। तो इस तरह से धीरे 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 समय बीतने लगा, जो 21 दिन का टाइम था लगभग 21 दिन वो आ गए। तो 21वें दिन क्या हुआ कि जब ये रात को साधना में बैठ गए, उस छोटे लड़के को उन्होंने सुला दिया और साधना में बैठ गए। तो साधना में जब बैठ गए तो बैठने के बाद वो छोटा सा लड़का क्या किया कि हाथ में एक केला लेके खा खा के आके वो उस मूर्ति के साइड में आके बैठ गए। तो ये पूजा कर रहे थे तो उन्होंने बोला ये भगवान है मत टच करो। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है, तो वो छोटे लड़के ने पूछा ये कौन है, उन्होंने बोला ये उच्चिष्ट गणपति हैं, मैं इनका पूजा करता हूँ, ये मेरे इष्ट हैं। तो फिर लड़के ने बोला कि ये उच्चिष्ट गणपति कैसे हैं, ये मेरे जैसे तो दिखते हैं। तो उसने बोला हाँ दिखते हैं लेकिन ये अलग हैं, तुम छोटे लड़के हो तुम नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे मैं तुमको समझाऊंगा इस विषय में। तो वो फिर बोला कि नहीं मैं इधर बैठा हूँ, आप पूजा करते रहिए। तो फिर जो ब्राह्मण बोले कि ठीक है तुम इधर बैठे रहो, हल्ला गुल्ला ना करना, मेरे को जाप करना है। तो जैसे ही ये बोले कि फिर ये ब्राह्मण अपना पूजा ख़त्म किए, वो लड़का भी छोटा सा था वो चुपचाप बैठ के देख रहा था और केला खा रहा था, और वो धीरे 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 जो ब्राह्मण थे पूजा ख़त्म करने के बाद वो जाप करना शुरू कर दिए। तो जैसे ही जाप करना शुरू किए अचानक में उनको ध्यान में आया कि वो जो लड़का है, वो जो छोटा लड़का है, वो ध्यान में देखे कि वो छोटा लड़का तांबे की मूर्ति में बदल गया है और वो खेल रहा है, तांबा का उसका पूरा शरीर तांबे का बन चुका है और खेल रहा है इस तरह से हाथ हिला के। तो जैसे ही हाथ हिला के खेल रहा है तो उन्होंने ये चीज़ देखने के बाद, जैसे ही आँख खुला तो आँख खुलने के बाद उनको दिखा कि वो जो छोटा लड़का था जो उन्होंने उच्चिष्ट गणपति भगवान को भोग लगाया था और जो कुछ बच गया था, बाकी कुछ का कर्म करते हैं तो वो कुछ बच गया था तो वो उसको लेके खा रहा है। ओके, तो खा रहा है तो उन्होंने बोला कि भोग खा लिए तुम भगवान का। तो उसी छोटे लड़के ने बोला कि हाँ भगवान का भोग था, मेरे को भूख लगी थी तो मैं खा गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं चलो खा लिए अब चलते हैं। तो 21 दिन के बाद ये जो प्रोसेस है ये लगातार 29वें दिन तक होता रहा। तो 29वें दिन जब तक होता रहा तो इस बार क्या हुआ, 29वें दिन ये हुआ कि इन्होंने जब ये जाप करने पे बैठ गए, ओके, तो जाप करने के बैठने के जगह जो गणपति जी का प्रतिमा था, ये छोटे लड़के ने क्या किया कि उस प्रतिमा को हटा दिया और खुद ही उस आसन के ऊपर बैठ गया। तो जब बैठ गया तब उन्होंने बोला कि, जब ब्राह्मण ने देखा कि ये बैठ गया है तो उनको अचानक से एक अजब प्रकार का फील हुआ कि फिर उनको खुली आंखों से इसका शरीर ताम्र का या फिर तांबे का दिखने लगा। तो इन्होंने बोला कुछ अनुभव हो रहा है, तांत्रिक अनुभव हो रहा है, बोल के इन्होंने आँख बंद कर दिया और अपने जाप को कंटिन्यू किया। अब आ चुका था 30वें दिन या फिर लास्ट दिन, साधना का लास्ट दिन आ चुका था, 31 दिन का साधना था, लास्ट साधना का आज लास्ट दिन था, अगले दिन यज्ञ करना था उनको। तो आज जो दिन था आज उनका प्रत्यक्षीकरण होने वाला था। तो ये क्या किए कि जैसे ही शाम का हुआ तो उन्होंने बोला साधना का आखिरी दिन है अच्छे से साधना करना है। तो वो छोटे बालक को, जो छोटा लड़का था, उसको ब्राह्मण ने सुला दिया और बोला कि देखो
मैं इधर खाना पीना सब कुछ दे रहा हूँ, तुम इधर रहो, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा, तुम मेरे पूजा कमरे में नहीं आओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं आएंगे। ओके तो जब ये दे दिए उसको खाना पीना, उसके लिए पानी खाना पीना हाथ मुंह धोने का सबको सामान दे दिए कमरे में, उसको सुला दिया और ये आ गए अपनी पूजा में। जैसे ही पूजा स्टार्ट करके जाप शुरू करने पे उतरे, उन्होंने अचानक से देखा, जब उनका बीच में आँख खुला जाप करते करते, उन्होंने अचानक से देखा कि वो जो गणपति की मूर्ति के पास वो लड़का बैठा है। तो वो चौंक गए कि भाई मैंने दरवाज़ा दे रखा था और तुम आ कैसे गए। तो फिर ये छोटा लड़का ने बोला कि नहीं मैं ऐसे ही आ गया, मेरे को बैठना है आपको पास देखना है और मेरे को देखना है आपको। तो जैसे ही इनका वो पूरा जो जाप था वो कंटिन्यू किए, तब अचानक से क्या किया कि उस छोटे लड़के ने उनका जो ब्राह्मण देवता का माला हाथ से खींच के लेके चला गया। तो इन्होंने घेरा बनाया था और जो घेरा बनाया था ये बाहर निकल भी नहीं सकती, घेरा के अंदर ही बैठ के इन्होंने बोला कि दो 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 माला दो, अभी मेरे को जाप करना है आगे। तो वो छोटा लड़का हंसता रहा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ये मायावी चीज़ हो रहा है। तो जब उन्होंने उसको मतलब फटकारने लगे कि जल्दी दो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा बोल के जैसे बोलने लगे, तो उनको देखने लगा कि वो छोटा सा लड़का अब उधर से गायब हो गया अचानक से और फिर इनके सामने आके खड़ा हो गया। तो अचानक से इन्होंने देखा कि ये कोई माया चल रहा है बोल के, फिर वो अपना जो जाप है वो कंटिन्यू करने पे आ गए और फिर भगवान जो उत्कृष्ट गणपति से प्रार्थना किया कि प्रभु अब मेरा मैं आपके शरण में हूँ और ये क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, आज आपका पूर्ण है तिथि, आपका पूर्ण होने वाला है, आज मेरा साधना पूर्ण होने वाला है, कृपया इतना परीक्षा ना ले बोल के उन्होंने प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की तभी अचानक से क्या हुआ कि जो वो छोटा लड़का था वो अचानक से उसके अंदर से एक तेज रोशनी सी आई और वो गायब हो गया लड़का, और उसके उस तेज रोशनी के अंदर से इन ब्राह्मण देवता को उच्चिष्ट महागणपति के दर्शन हुए, जिनकी वो जो उच्चिष्ट महागणपति थे उनका जो वर्ण था वो रक्त वर्ण था, उलग्न थे, नील कमल के ऊपर आसीन थे, वाम भाग में जो भगवती तो नील सरस्वती बैठी थी, ये नील सरस्वती और तारा जो भगवती हैं उनकी नील सरस्वती थोड़ी अलग होती हैं, तो नील सरस्वती बैठी थी और इनका जो सुंड में वो जो नील सरस्वती की योनि में था, और एक दिव्य विग्रह का उन्होंने दर्शन किया। तो इस दिव्य विग्रह के दर्शन के बाद उन्होंने बोला कि प्रभु आप इतने दिन तक मेरे साथ रहे, मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए मेरे को क्षमा कीजिएगा और आगे मेरे लिए क्या आदेश आप कृपया बताएं। तो फिर उन जो महा उच्चिष्ट गणपति थे वो उनको एक अक्षय पात्र दिए या फिर अक्षय कुंभ या फिर मायावी कुंभ दिए और बोला कि ये मैं आप तुमको एक कुंभ दे रहा हूँ, ये कुंभ एक ऐसा दिव्य कुंभ है जिस इस कुंभ के में से तुम जो भी निकालने की कोशिश करोगे तुमको प्राप्त होगा, अब तुम इस कुंभ को तो अपने पास रखो और जन कल्याण करो बोल के बोले और वो चले गए। फिर उसके बाद वो जो ब्राह्मण था वो जो जिस मंदिर में पूजा करता उस मंदिर में फिर जन कल्याण के लिए लोगों के लिए वो उस जो गर्भगृह के अंदर, वो भी गणपति का मंदिर था तो गणपति के मंदिर के गर्भगृह के अंदर उसको रख दिया और जो भी लोग आते थे उस मायावी कुंभ में से उसको निकालने लगा, सामान जो उनका किसी का भी अगर कोई धन जरूरत होता तो उसके अंदर से धन निकल आता, वो मायावी कुंभ से प्रार्थना करते तो धन निकल आता, किसी को खाद्य किसी को वस्त्र वो मायावी कुंभ में से सब कुछ निकलने लगा। तो इस तरह से जब निकलने लगा तो एक दिन जो वो जो ब्राह्मण थे वो पूजा पूजी करके मंदिर को बंद करके कपाट बंद करके रात को घर पे चले आए। तो क्या हुआ कि कुछ उस गांव के चोरों ने बोला कि अब ये मायावी कुंभ हमारा है, अब मायावी कुंभ को हम इस मायावी कुंभ को हम अब चुरा लेंगे और हमको फिर जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने वो मायावी कुंभ को मंदिर में चुराने के लिए गए तभी अचानक से एक जो बोलते हैं एक बड़ा सा सांप उस मायावी कुंभ में से निकला और उन तीन चोर थे तो तीन चोरों को डस के निकल गया। और जैसे ही वो बाहर निकलने निकलते निकलते मंदिर के ठीक बाहर निकले ही थे और उन तीनों की मृत्यु हो गई। ओके तो इस तरह से ये इसका स्टोरी था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद वो जो महागणपति हैं उनको उन्होंने उस ब्राह्मण को ये किया था स्वप्नादेश दिया था कि अब ये कुंभ संसार के लिए जनमानस के लिए सही नहीं है, अब इस कुंभ का जाके तुम विसर्जन कर दो और तुम जनकल्याण के लिए मेरे मंत्रों के माध्यम से ही तुम जनकल्याण करो बोल के उन्होंने आदेश दिया था। तो वो आदेश का पालन करते हुए उन्होंने उस मायावी कुंभ को विसर्जित कर दिया था। ओके तो ये एक स्टोरी है जो सुनने को मिलता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा। तो इस तरह से उच्चिष्ट गणपति का उनका साधना का और सफलता का तथा तो मायावी कुंभ का स्टोरी था। तो इसमें इन्होंने साधना करके पहली चीज
ये जो साधना थी उन्होंने जब साधना सिद्धि किया तो इनको अपार धन संपन्नता वैभव की प्राप्ति हुई थी। तो ये साधना हमारे द्वारा साधकों को करवाया भी जाता है और बेसिक साधना ग्रुप में ये साधना हम करवाते हैं साधकों को। और जितनों ने भी किया आज बेसिक साधना ग्रुप बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, 2 से 3 ग्रुप हैं, तो जो हालांकि 2 ग्रुप हैं, तीसरे ग्रुप में बहुत कम मेंबर हैं, तो 3 जो ग्रुप हैं 3 ग्रुप में ये साधना दिया गया है और बहुत साधकों को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। एक साधक का ये अनुभव था कि उनका जो बिजनेस था जो ठप हो गया था वो फिर से चलने लगा इस महागणपति साधना के वजह से, उच्चिष्ट गणपति साधना के वजह से। तो जिन साधकों को करने का इच्छा हो वो हमारे बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फायदा ये है इसमें आपका कि इस ग्रुप का जो प्राइस है वो 901 रुपया है और 901 रुपया में आपको इसमें बहुत सारी साधनाएं मिल जाएंगी। जैसे उच्चिष्ट गणपति की साधना तो हम दे ही रहे हैं आपको, उसके साथ इसमें आपको पितृ साधना, कुलदेवी साधना, अगर कुलदेवी आपके नहीं पता है तो कुलदेवी को पता करने का विधि मिल जाएगा, कुलदेवी पूजन विधान मिल जाएगा, तांत्रोक्तर हवन कैसे किया जाता है उसका विधि मिल जाएगा, आसन बंधन दिग्बंधन आदि सभी प्रकार के मंत्रों को आपको दे दिया जाएगा जिससे आप आसानी से किसी भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो ये सारे मंत्र आपको उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और आसानी से आपको मतलब साधनाएं भी करवाई जाती हैं। इतने अच्छे अच्छे साधनाएं हैं, कुलदेवी की साधनाएं हैं, जिनको कुलदेवी के बारे में नहीं पता उनको कुलदेवी के जो किस तरह से उनको पता किया जाए उसका विधान भी बताया जाता है। जिनको मतलब बोल सकते हैं कि अपने कुलदेवी का पता है लेकिन साधना पूजन नहीं किए हैं, पर कुलदेवी का स्थापना नहीं किए हैं, उनके ऊपर बताया जाता है। जिनके ऊपर कुछ बाधाएं हैं तो उन लोगों का स्कैनिंग करके हम ये भी बताते हैं कि क्या बाधाएं हैं, तंत्र प्रयोग है कि नहीं, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर भी बताया जाता है बेसिक ग्रुप में। उसके साथ तंत्र काट के विधानों को भी बताया जाता है केवल ही केवल 901 रुपया में। तो जिन लोगों को जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में और मेरा पिन कमेंट में आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मेरा पर्सनल हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा। दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन हो, आप दोनों में से किसी एक पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, अगर डायरेक्ट मेरे पर्सनल हैंडल पे मैसेज कीजिए बेहतर होगा। आप ग्रुप से ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए क्योंकि ग्रुप में अपडेट हम देते रहते हैं। जो हमारा जो नॉर्मल ग्रुप है ये पेड ग्रुप का लिंक नहीं देंगे, हम नॉर्मल ग्रुप का लिंक देंगे नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप का। तो वो आप उसमें ज्वाइन होकर आप फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज करने के बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा, पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ओके, फिर आप उधर से स्कैनिंग अपना करवा लीजिए और उसके बाद आपका जो भी साधना का क्रिया है उधर सारे PDF अवेलेबल है और आपको पर्सनली भी गाइड किया जाता है। जो साधक नहीं समझ पाते उनको पर्सनली भी गाइड किया जाता है, जो साधक समझते हैं, और VC भी रखा जाता है, वॉइस चैट जिसको बोलते हैं, तो वो VC में भी आप सभी लोगों को अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके आप लोगों को साधनाएं बता दी जाती है। तो जिनको जुड़ना है आप हमारे से जुड़ से ये सभी साधनाएं सीख सकते हैं तथा उच्चिष्ट गणपति की साधनाएं भी सीख सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, स्क्रीन पे आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा, इस मेल आईडी पे अगर आप सभी लोगों को किसी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड कहानी है, तंत्र से रिलेटेड कोई स्टोरी है, अपना तंत्र साधना का अनुभव है, आपने कुछ किया है उसका अनुभव है, या फिर किसी प्रकार की भूत से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के स्टोरीज होते हैं जो सत्य घटना होते हैं उनके ऊपर अगर आप चाहें तो मेरे को वो अनुभव कहानी आदि लिख के भेज सकते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे उसको प्रकाशित करूँगा। तो आप लिख के मेरे को इसमें भेज सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।